भारत और कनाडा के रिश्तों में आई दरार की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारत और कनाडा के शीर्ष राजनयिकों के निष्कासन के दौर के बाद अब सिलसिला वाद विवाद का शुरू हो गया है। हालांकि इस दौरान जस्टिन ट्रूडो के सुर बदले हुए जरूर नजर आए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के माने तो ट्रूडो ने अपने एक बयान में कहा है कि वो भारत को उकसाना नहीं चाहता है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में जो कुछ भी कहा वो राजनीति से प्रेरित था और इसका सबसे बड़ा कारण है कनाडा में सिखों की संख्या। आपको बता दें कि 2025 में कनाडा में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ट्रूडो इस बयान के बाद सिखों में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कनाडा के अंदर सिखों की संख्या चुनाव पर बेहद असर डालती है। हालांकि भारत ने भी तुरंत कनाडा के आरोपों का खंडन किया और कनाडाई उच्चायुक्त को तलब कर अपनी आपत्ति जताई, साथ ही टॉप डिप्लोमेट को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। बताते चलें कि सिख अलगाववाद और खालिस्तान आंदोलन के कारण भारत और कनाडा के रिश्ते निचले स्तर पर हैं। 1980 में पंजाब राज्य से शुरू हुआ खालिस्तान आंदोलन आज मिलो दूर कनाडा में पैर पसार चुका है। 1970 के दशक में कनाडा में बड़ी भारतीय आबादी थी, जिसमें खासतौर से सिख समुदाय है। इसी दौरान यहाँ राजस्थान के पोखरण में हुए न्यूक्लियर प्रशिक्षण से तत्कालीन पीएम और जस्टिन ट्रूडो के पैर पियरे टूटे की नाराजगी और खालिस्तान समर्थकों की राजनीतिक शरण ने कनाडा में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। खालिस्तान बनाने की मांग की जड़ें ब्रिटिश काल की औपनिवेशिक नीतियों से जुड़ी हैं। ब्रिटिश काल के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिंदुओं को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में सिखों को सेना में भर्ती किया था। फिर जब 1947 में देश आजाद हुआ तो पंजाब और केंद्र सरकार के बीच तनाव उजागर हुआ, जिसमें कई सिखों के दिल में सरकार के खिलाफ रंजिश पैदा कर दी। 20वीं सदी में सिखों ने कनाडा का रुख किया और धीरे धीरे उधर शिफ्ट होने लगे। ब्रिटिश कोलंबिया से गुजरते हुए सेना के जवान कनाडा की उपजाऊ जमीन की ओर काफी आकर्षित थे। 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस गई। जैसे जैसे सिखों की संख्या बढ़ने लगी, खालिस्तान आंदोलन के बीच भी यहाँ पनपने लगे। 1974 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर प्रशिक्षण किया था। इस पर कनाडा के पूर्व सीएम पियरे ट्रूडो ने काफी नाराजगी जताई थी, क्योंकि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दिए गए कैंडू टाइप रिएक्टर का सैन्य इस्तेमाल किया गया, उसके गुस्से के कारण भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब हो गए। इस दौरान भारत में खालिस्तान आंदोलन चल रहा था और सिखों ने कनाडा में शरण लेनी शुरू की और राजनीतिक शरणार्थियों का दर्जा मांगा। इस तरह कनाडा में खालिस्तानियों का प्रवेश हुआ और भारत के साथ खराब रिश्तों के कारण कनाडा ने खालिस्तान अलगाववाद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। 1980 और 1990 के दौरान खालिस्तान आंदोलन भारत में पीक पर था और बमबारी, हत्याएं, किडनैपिंग, लक्षित हत्या और नागरिकों के नरसंहार की घटनाएं देखने को मिली, जो सबसे ज्यादा पंजाब में देखी गई। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमले की दर्दनाक घटना हुई। ये हमला कनाडा के खालिस्तान अलगाववाद ने एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्क पर किया था, जिसमें विमान में मौजूद सभी 329 लोग मारे गए थे। ये फ्लाइट टोरंटो से नई दिल्ली जा रही थी। मरने वालों में 82 बच्चे शामिल थे। कनाडा के इतिहास में यह सबसे दर्दनाक हमलों में शामिल है। 1990 के आखिरी दिन तक जहां भारत में खालिस्तान आंदोलन अपने अंतिम चरण के करीब था, तो वही कनाडा में तेजी से बढ़ रहा था। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के सत्ता में आने के बाद खालिस्तान की मांग फिर से तेज होने लगी है और आए दिन खालिस्तान समर्थक इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी करते रहते हैं। कई खालिस्तान समर्थक समूहों भी ट्रूडो की लिबरल पार्टी का समर्थन करते हैं। भारत कनाडा पर खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ निष्क्रियता का बार बार आरोप लगता रहा है, जिसे कनाडाई सिख समुदाय को लुभाने की कनाडा सरकार की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। साल 2015 में जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें ज्यादा तेजी देखी गई है।